स्क्रीन दिख रहा ना? लास्ट हम लोग वापस से इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, अभी देखो लास्ट क्लास में हमने डेफिनेशन देखा और टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हमने देखा, टाइप नहीं सिर्फ डेफिनेशन और इंडक्टिव इफेक्ट देखा था। ठीक है, कि क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो आज हम टाइप्स देखेंगे, ठीक है? तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं। अभी देखो हमने इंडक्टिव इफेक्ट क्या देखा, कि अगर एक कोई ले लॉन्ग चेन है कार्बन का, ठीक, तो अगर हैलोजन ग्रुप है तो हैलोजन क्या है, हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा होगा कार्बन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो उस केस में हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन से शिफ्ट हो रहा है हैलोजन की तरफ। ठीक है, हमने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को फ्लो होते हुए हमने देखा। ठीक, तो एक एग्जांपल हम ये भी देख सकते हैं कि अगर कार्बन है, कार्बन का कोई लॉन्ग चेन है इस तरीके से, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होना चाहिए किससे, तो हाइड्रोजन से। ठीक है, तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि कार्बन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, सॉरी मैंने उल्टा एरो दे दिया, कार्बन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है और इस तरीके से ये खींच रहा है। तो इस जगह पे देखो आपको डेल माइनस इधर दिखता था, डेल प्लस कार्बन के ऊपर। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डेल माइनस कार्बन के ऊपर और डेल प्लस हाइड्रोजन के ऊपर। तो दो टाइप्स के इंडक्टिव इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दो टाइप्स हैं, कब, जब एक बार कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे वाले से कम रहेगा और एक बार कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे वाले से ज़्यादा रहेगा। तो इस केस में हम क्या देखेंगे, तो नाम जो है वो इसी के तरीके से आता है। तो देखो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है और ये हमारा सेकंड कंडीशन। ध्यान से ध्यान रखिए, याद रखिए इस चीज को, अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन खिंचा रहा है तो इसको हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट ये सेकंड, इसको हम कहेंगे माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, और इसको हम कहेंगे प्लस आई इफेक्ट। तो दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, एक माइनस और एक प्लस। माइनस कब होगा, जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन को एक खींच के लेके जाएगा तब, और प्लस कब होगा, जब कार्बन किसी का इलेक्ट्रॉन खींच के लाएगा तब। ठीक है, तो ये दो टाइप्स के हैं। अभी देखो इसमें हम कैसे पता करें कि कौन कौन कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा और कौन कौन कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक, तो जिनके जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होंगे हर वो एलिमेंट कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो इसमें कुछ मॉलिक्यूल दिए जाते हैं, कुछ ट्रेंड्स हैं जो हम पढ़ते हैं, जैसे ग्रुप्स विथ माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, कौन कौन हो सकता है, तो इसमें सबसे ऊपर है NO2। ठीक है, NO2 अगर होगा, अगर हम जैसे देखो इंडक्टिव इफेक्ट हम कई बार कंपेयर करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट हमको काफ़ी कुछ समझाता है, जैसे एसिडिटी बतलाने के काम में आता है, बेसिसिटी बतलाने के काम में आता है, या फिर डाइपोल मोमेंट भी समझने के काम में आता है, या फिर कह लीजिए तो अगर किसी का स्टेबिलिटी देखना है
तो वो भी हम इंडक्टिव इफेक्ट से देखते हैं। तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जहां पर हमको मैक्सिमम और मिनिमम इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट हमको दिखता है NO2 के साथ, उसके बाद CN के साथ, उसके बाद फ्लोरीन, फिर COOH, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद है ऑक्सीमिथाइल OCH3, ठीक है, इसको ऑक्सीमिथाइल कहते हैं, उसके बाद C6H5, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड है ये हमको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर देता है, मतलब अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो हमको क्या दिखेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा लाइन खींच देता हूँ ताकि अभी देखो, उसके बाद हमको इधर पे हमने ग्रुप्स देखा माइनस के साथ, हम यहाँ देखेंगे ग्रुप्स विथ प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो कौन कौन से ग्रुप्स हैं जहाँ पे हमको प्लस आई देखने को मिलता है, तो जो जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो हमको प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। जैसे ग्रुप्स विथ प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहला CH3O3C, ठीक है, उसके बाद CH3O2C, उसके बाद है सिंबल मैंने आगे दे दिया, C2H5, ठीक, उसके बाद है CH3 और उसके बाद है H, ठीक है। तो ये सभी एलिमेंट्स हैं जो हमको प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक। तो जैसा डिक्रीजिंग ऑर्डर माइनस आई में दिखा है वैसा ही डिक्रीजिंग ऑर्डर हमको प्लस आई में भी दिखेगा। हम लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे तो हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर देखने को मिलेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। क्लियर है यहां तक? देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, इन सब चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला कि इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। हमको इंडक्टिव इफेक्ट्स में सिग्मा बॉन्ड्स का डिस्प्लेसमेंट दिखता है, मतलब जहां पे सिंगल बॉन्ड्स होंगे वहां पे हमको इंडक्टिव इफेक्ट दिखेगा, दैट इज सिंगल बॉन्ड्स शोज इंडक्टिव इफेक्ट,
इंडक्टिव एसेट, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, इट इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, ठीक है। ये परमानेंट डिफेक्ट होता है और ये इरिवर्सिबल होता है, इसको वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हैलोजन का जो एग्जांपल हमने लिया था, हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक है, इसीलिए इसको हम उल्टा नहीं कर सकते। The inductive effect decreases as the distance increases, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस इंक्रीजेस का मतलब क्या है, तो इंडक्टिव इफेक्ट किसको डिनोट करता है? चार्जेस को। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से डाइपोल जनरेट होता है, ठीक है। तो अगर डाइपोल जनरेट होगा तो डाइपोल किसे डील करता है? डिस्टेंस और चार्ज के साथ। तो जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा इंडक्टिव इफेक्ट भी घटता चला जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर फोर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस बट डू नॉट लीव द ऑर्बिट, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है कि हमने जो एग्जांपल देखा है, जैसे कार्बन और हैलोजन हमने देखा, तो हैलोजन क्या करता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है वो खींचता है अपनी तरफ। तो हम कह सकते हैं कि ये जो शेयर्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है ये खिंचाते हैं हैलोजन की तरफ, ठीक। तो कहता क्या है चौथा पॉइंट, कि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट करते हैं इधर से इधर, क्यों, लेकिन वो अपने ऑर्बिटल्स को छोड़ते नहीं, अपने ऑर्बिटल्स में ही रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक डिस्टॉर्शन हमको देखने को मिलता है। मान लीजिए कि ये हमारा ओवरलैपिंग है, ठीक है, ये हमारा ओवरलैपिंग है एक्स और कार्बन का। तो एक्स क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, तो जिसके वजह से हमको क्या दिखेगा कि ओवरलैपिंग में थोड़ा सा फर्क आ गया, मतलब ये जो पोर्शन है वो ऐसा खींचा गया, ठीक है, ये खींचा हुआ पोर्शन हमको दिखाता है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन किसका, तो कार्बन एटम के ऑर्बिटल का, ठीक है, डिस्टॉर्शन ऑफ कार्बन ऑर्बिटल। क्लियर है पॉइंट्स? यस सर। अभी एक चीज और, यहाँ पे एक चीज रह गया था, देखो यहाँ जो इस जगह पे जो ग्रुप्स विथ माइनस आई इफेक्ट लिखे हैं, इसको कहा जाता है EWG, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, EWG, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। मैं फुल फॉर्म लिख दूंगा पीछे या यहीं पे लिख देता हूँ, EWG, ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, और एक होता है EDG, चाहे तो इसको ERG भी कहते हैं, ERG, ठीक है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप
जो माइनस आई इफेक्ट है ये हमको ई डब्ल्यू जी दिखाता है, मतलब इन सब को हम ई डब्ल्यू जी कहेंगे, और जो प्लस आई इफेक्ट है वहां पे हम इन सब को ई डी जी या ई आर जी कहते हैं। ठीक है, तो इन सब के ऊपर डिपेंड, इन सब के ऊपर ई डब्ल्यू जी और ई डी जी के ऊपर डिपेंड करता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इसके वजह से हम एक पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। डिपेंडिंग अपॉन ई डब्ल्यू जी एंड ई डी जी द पोलराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस कि इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशंस क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन तो हम इसका रिएक्टिविटी देख सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स अगर हम कंपेयर करें तो उसकी रिएक्टिविटी क्या क्या हो सकती है। जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, देखिए इस जगह पे काफी सारे हैलोजन हैलाइड्स ग्रुप है हमारे पास। जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लूँ मिथाइल के साथ, तो मेरे पास क्या क्या हो सकते हैं, CH3F, ठीक, CH3Cl, CH3Br और CH3I। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए कि हैलोजन ग्रुप्स जो है सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, तो ये सब क्या करेंगे कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी तरफ, सब कोई खींचेगा अपना अपना कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक, तो इसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से एफ के ऊपर डेल माइनस, कार्बन के ऊपर डेल प्लस, क्लोरीन के ऊपर डेल माइनस, कार्बन के ऊपर डेल प्लस, सेम कंडीशन ब्रोमीन और आयोडीन के साथ होगा। ठीक है, अब आप देखिए मान लीजिए कोई एक न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज किया है तो इसको कौन इफेक्ट करेगा, इसको कौन अटैक करेगा, इसको अटैक करेगा एक न्यूक्लियोफाइल, अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अभी न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक कर सकता है और आसानी से अटैक कर सकता है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, यहाँ कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड्स का क्या कहता है कि अल्काइल हैलाइड्स में जब इंडक्टिव इफेक्ट चालू होता है तो ये काफी ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं किसी दूसरे अटैकिंग स्पीसीज के साथ। तो जैसे यहाँ पे जो हैलोजन है, ये हैलोजन कोई इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने में आसान रहता है और कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग आसानी से हो जाता है। तो यहां मैं लिख देता हूं रिच इन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट the alkyl halides reactivity increases। ठीक है, ये तो हो गया। देखो जो applications है इससे कई बार आपको objective भी पूछेगा। ठीक, तो ये तो हो गया, हम जब सबको अलग अलग deal कर रहे हैं तब, मतलब हमने अगर ये पहला अलग से डील किया, दूसरा अलग से,
तीसरा अलग से और चौथा अलग से, लेकिन जब हमको कंपेयर करने के काम में आएगा कि सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है या सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन है, तो हम उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट हमको कहाँ दिखेगा? हमको दिखेगा पहले में, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज करता जाता है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखाया है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो कंपेयर करके मैं लिख देता हूँ CH3F, उसके बाद CH3Cl, फिर CH3Br और फिर CH3I। ठीक है, इधर से इधर लेफ्ट से राइट हम जाएंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारा डिक्रीज करना चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस, ठीक है, तो डिक्रीजेस का मतलब है ड्यू टू, डिक्रीज क्यों करेगा? तो ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज। ठीक है, अब देखो ये हमको ऐसे समझ में नहीं आता, अगर मैं इसको आपको पीरियोडिक टेबल के हिसाब से समझाऊं तो देखिए, मान लीजिए मिथाइल ग्रुप है हमारा CH3, तो CH3 के लिए मैं सर्कल ले लेता हूँ, एक रेड सर्कल। तो पहला सर्कल ये हमारा, दूसरा सर्कल, एक सेकंड थोड़ा इसको, नहीं ठीक है, CH3 बराबर रहेगा ना, तो वो चारों सर्कल में बराबर बनाऊंगा। CH3 का है 1, 2, 3 और एक ये 4। ठीक है, ये सब हमारा CH3 है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको दिखाना है यहाँ पे हैलोजेंस को। तो देखिए मैं सबसे पहले फ्लोरीन बनाऊंगा, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन का साइज इससे थोड़ा बड़ा क्लोरीन, और ब्रोमीन का साइज इससे थोड़ा बड़ा, और आयोडीन का साइज जो है वो इससे और बड़ा। ठीक, तो क्या देखा हमने, इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये डिक्रीज करता है। क्यों? तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे, तो हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो मेरा जो साइज है, देखो हैलोजेंस का जो साइज है वो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे साइज मेरा क्या करेगा, साइज इंक्रीज होगा। ठीक, तो इसके वजह से मेरा इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होना चालू हो जाता है। ठीक है, समझ में आया पॉइंट? पॉइंट समझ में आ गया? Yes. ठीक है, तो आप जब नोट्स लिखोगे ना, तो ये वाला पोर्शन आप नहीं लिखोगे। ठीक है, ये जो पोर्शन मैंने अभी आपको दिखाया है ये आप नहीं लिखेंगे, ये समझने के लिए है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नॉट फॉर नोट्स। फिर सेकंड एप्लीकेशन, देखो चीजों को समझते चले जाइए, रटना नहीं, रटोगे तो आप लिख नहीं पाओगे एग्जाम में। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन है डाइपोल मोमेंट का। क्या होता है डाइपोल मोमेंट, कौन बताएगा? व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? सर जिसमें दो चार्ज होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, देखो डाइपोल मोमेंट हम डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक, म्यू बराबर होता है क्यू इंटू डी, मतलब चार्ज और चार्ज का सेपरेशन। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन सेल्स हैं, ये यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, तो ये जो डिस्टेंस है इसको डी से डिनोट करते हैं, ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम डी से डिनोट करेंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस। और जो क्यू है ये क्यू होता है चार्ज, तो चूंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों का चार्ज सेम होता है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्यू एक ही लिखते हैं। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट इस तरीके से दिया जाता है।
तो जैसे जैसे हमारा डाइपोल सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा डाइपोल मोमेंट भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखो मैंने पहले इससे पहले जो एग्जांपल दिखाया है वही एग्जांपल को हम लेंगे। इसके लिए मैं लिखता हूँ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस द डाइपोल मोमेंट because as the distance increases, as the distance increases, the dipole moment increases. ठीक है, जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा डाइपोल मोमेंट भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा इंडक्टिव इफेक्ट घटता चला जाएगा, याद ध्यान से रखिएगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट देखो ये हमारा लॉन्ग चेन है, यहाँ पे हमने हेलोजन लगाया। ठीक है, अभी हेलोजन का कार्बन के ऊपर फोर्स सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट कार्बन के लिए, या कहे तो अल्फा कार्बन के लिए, तो यहाँ पे हमको इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट इसमें कम हो जाएगा, फिर इसमें कम हो जाएगा, फिर इसमें कम हो जाएगा, और इसके बाद हमको दिखेगा ही। ठीक, तो जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्टेंस, या हम कह सकते हैं जैसे जैसे हमारा इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज करेगा, हम डाइपोल मोमेंट इंक्रीज करता हुआ देखेंगे। ठीक है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट के वजह से हमारा डाइपोल मोमेंट बढ़ भी जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे जनरली कंपेयर किसको करते हैं, हम यहाँ पे अल्फा कार्बन को कंपेयर करते हैं इसीलिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी एस थ्री आई, इसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट दिखता है वो होता है 1.64 डी। अब ये डी क्या है, तो डी हम लिखते हैं डिबाई के लिए। ठीक है, डिबाई क्या है, डिबाई है डाइपोल मोमेंट का यूनिट। उसके बाद सी एस थ्री बी आर, ठीक है, इसमें हमको दिखता है 1.79 डी। ठीक है, इसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट दिखता है 1.79 का दिखता है। फिर अगर हम ले लें सी एस थ्री सी एल, तो यहाँ पे हमको दिखेगा 1.83 डी। ठीक है, यहाँ पे हमको इस तरीके का इंडक्टिव इफेक्ट दिखता है। इसके बाद इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम ले लें सी एस थ्री एफ, तो यहाँ पे हमको लगभग 1.95 से 2 के आसपास का हमको इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है डायपोल मोमेंट को। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा हमको कहाँ देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा फ्लोरिन के साथ देखने को मिलता है। ठीक, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट हमें सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, इसीलिए लिखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। सर ये सर जो डिब्बे बताए हैं वो सब को याद मतलब रखना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखो ये एग्जैक्ट वैल्यूज है, अगर याद रहता है तो भी ठीक है, नहीं याद तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप क्या करेंगे एग्जाम में कि अगर आपको नंबर्स याद नहीं है तो आप सिर्फ एक सिंबल ऐसा इंक्रीजमेंट का एरो देते चले जाएंगे। ठीक है, इंक्रीज वाला एरो लगाते चले जाएंगे। अरे मैंने उल्टा दे दिया ना। आप क्या करेंगे ऐसा इंक्रीमेंट का एरो दे देंगे। ठीक है, और कुछ नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एरो दे दीजिए। ठीक है, हाँ सर। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास
स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस को देखेंगे। इसका तीसरा एप्लीकेशन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, एसिड और बेस में क्या फर्क पड़ता है उस चीज का हम यहां देखेंगे। अब देखो एक चीज, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट चीज लिख रहा हूं, दो लाइन का एक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिए। देखो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का आता है, ऑब्जेक्टिव आता है इस चैप्टर से कंपैरिजन करने के लिए कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है कौन सा कम स्ट्रांग है, इस चीज को कंपेयर कीजिए। तो ध्यान रखना है कि के ए वैल्यू, दो टाइप के वैल्यूज आते हैं, एक तो के ए वैल्यू आता है और एक आता है पीके वैल्यू। ठीक है, एक सेकंड, देखो ये दो वैल्यूज आपको दिए जाएंगे। अभी इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जिसका होगा वो एसिड स्ट्रांग एसिड कहलाएगा। ठीक है, मतलब इसमें ग्रेटर वैल्यू को आपको चूज करना है के ए के लिए, और पीके में क्या है, स्मॉलर वैल्यू जिसका होगा, ठीक है, स्मॉलर वैल्यू जिसका होगा वो एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। एग्जाम में आपको चार मॉलिक्यूल दिए जाएंगे, चारों का या तो के वैल्यू दिया जाएगा चाहे तो पीके वैल्यू दिया जाएगा, और कहेगा कि एसिड स्ट्रांग है, उस चीज को आप टिक कीजिए। ठीक है, ठीक, अभी इसमें हम फर्स्ट ले लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। के लिए माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस द एसिडिटी। एंड प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेस एसिडिटी। ठीक है, माइनस आई रहेगा तो एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा और प्लस आई रहेगा तो एसिड का स्ट्रेंथ घटेगा। एक यहाँ पे इसको एसिडिटी के जगह इसको एसिड स्ट्रेंथ करता है, एसिड स्ट्रेंथ। ठीक है, और यहां पे भी एसिड स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से हम समझेंगे इस पॉइंट को। देखिए सी डबल ओ एच, ठीक है, इसके साथ ये एच है हमारा, और सी एच थ्री COOH, ठीक है, देन फिर एक हम ले लेते हैं FCOOH, और एक ले लेते हैं CLCOOH। ठीक, अभी देखो हमको क्या पता है, एसिड के बारे में हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। ठीक, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कमी, ठीक है, हम आसान भाषा में कह सकते हैं। अभी देखो एक चीज और, ई डब्ल्यू जी मैंने क्या लिखा यहाँ पे, माइनस आई इफेक्ट जो है एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। तो ई डब्ल्यू जी जो है, अगर ई डब्ल्यू जी जहां जहां रहेगा, ठीक है, विड्रॉइंग ग्रुप जहां जहां रहेगा, तो हमको एसिड का स्ट्रेंथ मैक्सिमम मिलेगा, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक है, इस चीज को याद रखना। इस चीज को कैसे याद रखते हैं, अब यहाँ पे आप देखो कि मेरा मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, और यहाँ पे भी इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इधर से क्लोरीन जुड़ा है और यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा है, ठीक है। अब चूंकि फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इस जगह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और क्लोरीन भी खींचेगा, लेकिन लेकिन यहाँ पे EN of F greater than EN of CF, ठीक, तो हम कह सकते हैं ना कि इस जगह पे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस मोर देन किससे, तो क्लोरीन सी डबल ओ एच से, ठीक है, मतलब कार्बन या फ्लोरीन क्या कर रहा है यहाँ पे, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, किसके कंपैरिजन में, तो क्लोरीन के कंपैरिजन में। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे मेरे पास जो एसिड स्ट्रेंथ है, ठीक है, किसका, एफ सी डबल ओ एच का एसिड स्ट्रेंथ, इसका ज्यादा है इसके एसिड स्ट्रेंथ, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो अभी आप देखो मैंने आपको तीसरा चौथा कंपाउंड कंपैरिजन दिखाया है, ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, और ये हमारा है फोर्थ, तो मैंने यहाँ कंपेयर दिखाया। इसी तरीके से अगर फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे तो हमको ये कंपैरिजन देखने को मिलेगा, मतलब फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, समझ में पॉइंट क्लियर हुआ, पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ तक दोनों को, ठीक है। तो आज मैं क्लास यहीं तक रखता हूँ, मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, ठीक है।